वेलकम टू सैम स्नो। तो हर बार की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड दिस मशीन इन फ्रंट ऑफ मी इज कॉल्ड न्यूटन्स क्रेडल। तो इस न्यूटन्स क्रेडल की खासियत क्या है? इसमें हम कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमने पहले पढ़ी है लेकिन कभी अप्लाई नहीं किया, लाइक द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी और न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये तीनों इसमें यूज होंगे। जैसे कि हमको पता है व्हाट इज मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व है, इसमें टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व है, वो सब देखेंगे आज। तो पहले इसे यूज़ करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद देखेंगे इसके रीज़न को, अगर उसने वैसा किया तो क्यों किया, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें स्पेशल होगा, इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। पहले मैंने अगर इसके एक मार्बल को, ये मार्बल से बना हुआ है, एक मार्बल को मैंने उठाया और इसको छोड़ा तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आया इसमें। लास्ट का मार्बल यहां से मूव करने लग गया। अब जरा दो उठा के देखते हैं। ये दो मैंने उठाया और इनको रिलीज किया तो वहां के दो उठ के मोशन में आ गए। अब जरा तीन करके देखते हैं तो जाहिर सी बात है हाफ हाफ जो है वापस में कोलाइड करने लगा। लेकिन अगर मैं चार उठाऊं, जैसा कि यहां से मैंने एक उठाया तो यहां की साइड से एक ही बाहर आया, जैसा कि दिख रहा है। यहां से एक उठाया तो यहां पे एक बाहर आया, और अगर यहां से मैंने दो उठाया तो यहां से भी दो बाहर आए, और जब तीन उठाया था तो भी तीन आए थे। लेकिन अगर चार में क्या होगा, क्योंकि उस साइड उतने होने चाहिए। अगर मैं यहां से चार उठाऊं तो यहां तो दो ही है, तब देखते क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। चार उठाया मैंने, इसको मैंने रिलीज किया तो जैसा देखा कि चार उठा के छोड़ने पे आगे भी चार ही जा रहे हैं, स्टार्टिंग के दो रुक जा रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, और जैसे कि स्लो मोशन में दिख रहा होगा यहाँ पे कि जैसे ये हिट किया उस पे, अब यहाँ पे हिट करने के बाद आगे चार जा रहे हैं, बाकी जो दो हैं वो पहले वाले वो रुक जा रहे हैं। अब यही चीज़ एक बार पाँच में करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक को यहाँ पे रहने देता हूँ और बाकी जो पांच हैं उनको मैं लिफ्ट करता हूँ, और अब रिलीज। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है ये देखना कि मैंने पांच को एक पे दे मारा, लेकिन फिर भी वो पांच के पांच ने, अब पांच के पांच को अगर मैं एक पे मारूँ तो काफ़ी ज़्यादा मोशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो आगे पांच जा रहे हैं और पीछे का एक बच जा रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं ऐसे। अब इसी को स्लो मोशन में देखते हैं एक बार, जैसे कि इस पांच को अगर मैं इस एक पे कोलाइड करवा रहा हूँ तो आगे भी पांच ही जा रहे हैं और एक पहले वाला रुक जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को हमें समझना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन एंड सी हाउ इट कंजर्व द मोमेंटम एज वेल एज टोटल एनर्जी। तो अगर पहले केस में देखा जाए तो जब मैंने सिर्फ एक मार्बल को ऊपर की ओर उठाया था उस टाइम मैंने क्या किया, जब उसकी मैंने हाइट इंक्रीज करी तो मैंने उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी, और जैसे मैंने उसे रिलीज किया तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होने लग गई, और जब उसने उसे हिट किया तो वहाँ पे काम आता है मोमेंटम का, क्योंकि उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली थी और उसका मास मान लिया एम, और ये सारे के सारे मार्बल जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम मास के हैं, यानी कि उन सब का मास मान लिया हमने स्मॉल एम। तो जब उस मार्बल ने पहले मार्बल को हिट किया, यानी कि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है और वो कोलिजन इलास्टिक होता है, अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक होता है, सो देयर इज ट्रांसफरिंग ऑफ मोमेंटम, द फर्स्ट मार्बल ट्रांसफर इट मोमेंटम टू द अदर। सो यहाँ पे हुआ क्या, पहले मार्बल ने जब दूसरे को हिट किया तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया उसके पास, उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, वैसे करते करते लास्ट वाले के पास कोई चारा नहीं था ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए वो आगे की ओर मूव करने लग गया, जो कि पहले के साथ हो। लेकिन अगर दो के साथ देखा जाए तो जब मैंने दो मार्बल को छोड़ा यहाँ पे तो इसमें कंजर्वेशन कैसे लग रही है, यानी कि जब मैंने दो को छोड़ा तो मास क्या था 2m और दोनों की वेलोसिटी सेम थी। तो अगर इसको देखा जाए तो इनिशियल केस मेरे पास, अगर बिफोर कोलिजन देखा जाए तो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है 2mv, 2 मास टाइम्स वेलोसिटी, और अगर फाइनल देखा जाए तो फाइनल जो उस साइड से जो कोलिजन के बाद हुआ
वहाँ पे भी जो मोशन में मार्बल्स थे वो भी ट्वाइस थे, दो थे, तो यानी कि वहाँ भी 2mv हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस मास टाइम्स वेलोसिटी, या यानी कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कंजर्व हो गया यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा ही तीसरे के साथ भी हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो चौथे के साथ क्या हो रहा है, जब मैंने चार या पाँच लेके उसे किया, जब मैंने पाँच रिलीज़ किए, सेम चीज़ भाई, मैंने हाइट इंक्रीज़ की तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई होगी, उसको छोड़ने के बाद वो काइनेटिक में कन्वर्ट भी हो गई, लेकिन जब मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ वो कैसे हो रहा है, वो पाँच ही क्यों जा रहा है? तो अगर देखा जाए ऐसे कि मान लें मुझे मोमेंटम कंजर्व करना है, यहाँ से मैंने पाँच को ड्रॉप किया और पाँच जाके एक पे टकराए, और एक पे टकराने के बाद अगर वही एक जाता तो क्या मोमेंटम कंजर्व होता? मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर जो इसमें हमें रिजल्ट्स मिले हैं उसके हिसाब से देखें तो क्या पता मोमेंटम कंजर्व हो जाए। तो देखते ज़रा, हमें इनिशियल में क्या पता था कि कोलिजन से पहले हमारे पास में, अगर केस ले 5 मार्बल्स वाला, तो मैंने इनिशियली 5 मार्बल्स को ऊपर किया, यानी कि जब मैंने उन्हें ड्रॉप किया तो मास क्या हो गया 5m टाइम्स v, सबकी वेलोसिटी सेम मान ली, तो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास में हो गया 5mv। और देखा जाए कोलिजन के बाद पहले वाला मार्बल अपनी जगह पे रुक जा रहा है और बाकी के मार्बल जो हैं वो वापस जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जब फाइनल मोमेंटम देखा जाएगा इसका तो वो भी 5mv ही आएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि मोमेंटम इसका कंजर्व है। लेकिन व्हाई द फर्स्ट मार्बल स्टॉप्स हियर, पहला मार्बल रुका क्यों? एक्चुअल में यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन भी चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे थर्ड लॉ भी काम कर रहा है न्यूट्रल्स का, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखा जाए तो जब ये 5 की 6 पे कोलाइड कर रहे थे और उस टाइम पे द 6th वन इज ऑल्सो कोलाइडिंग विद द 5 अदर्स, वो भी 5 पे कोलाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन भी है, इसने एक्शन किया एंड द 6th वन रिएक्ट टू द अदर्स, तो इसका जो रिएक्शन है मतलब कि इसका जो मोमेंटम है वो पास हुआ पीछे की तरफ, और देखा जाए तो इसने जो पास किया था उसकी अगर जाने वाले की वेलोसिटी अगर मान लिया लेफ्ट टू राइट है, तो वहाँ से जो रिएक्शन फोर्स इसे मिल रही है वो राइट टू लेफ्ट है, जिसकी और वो सेम वेलोसिटी जितनी इसकी थी उतनी ही होगी, तो वो कैंसिल आउट कर जाएगी पहले केस में, तो यानी कि दोनों की वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई और हमें वो रेस्ट पे दिख रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे 5 एक पे टकरा रहे हैं, तो एक भी तो 5 पे टकरा रहा है, तो वैसा इफेक्ट मिलेगा हमें जैसा पहले मिल रहा था। अब क्या है, मोशन का जवाब मोशन से दिया गया, तो यहाँ पे रेस्ट का जवाब रेस्ट से ही मिलेगा, अगर ये एक रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में हो जाएगा और 5 ऊपर जाएंगे। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।